वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलेंड। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं एमएक्स टकाटक एप्लीकेशन पे डू इट वीडियो किस प्रकार आप बना सकते हैं, क्योंकि आप देख भी सकते हैं बहुत सारे टिकटॉक स्टार है जो कि एमएक्स टकाटक एप्लीकेशन पे आ चुके हैं और यहाँ पे डू इट वीडियो बना रहे हैं। और इनके वीडियो पे मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छे खासे लाइक्स एंड व्यूज आ रहे हैं। यदि आप भी इस तरह के डू इट वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, यहाँ पे आप लोगों को मैं स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूँ यहाँ पे आप लोग डू इट वीडियो किस प्रकार बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एमएक्स टकाटक एप्लीकेशन में डू इट वीडियो का ऑप्शन नहीं दिया गया है, फिर भी आप किस प्रकार बना सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फाइनली गाइस, हम आ चुके हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। इसके बाद सिंपल हमें एमएक्स टकाटक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाते हैं। तो आप देख भी सकते हैं एमएक्स टकाटक एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन पे ड्यूट वीडियो भी काफ़ी तेज़ी से बनाया जा रहा है और उनके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज भी आ रहे हैं। तो आपको मैं एग्जाम्पल के लिए एक दो वीडियो दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं एक वीडियो जो यहाँ पर ड्यूट वीडियो बनाया गया है, जिस तरह से आप टिकटॉक पे डूइट वीडियो बनाते थे उसी प्रकार यहाँ पे भी आप डूइट वीडियो बना सकते हैं। तो इस तरह से डूइट वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक वीडियो को सेलेक्ट कर देना है। तो एग्जांपल के लिए मान लो कि इस वीडियो को आपको इस वीडियो पे यानी कि साउंड पे आपको डूइट वीडियो बनाना है। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, विदाउट वाटरमार्क वीडियो को डाउनलोड करना होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखना है। पूरा देखने के बाद सिंपल शेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक सेव का ऑप्शन मिल जाता है, सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वीडियो आपको गैलरी में सेव हो जाएंगे, वो भी विदाउट वाटर मार्क। इसके बाद सिंपल साउंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यूज दिस साउंड, और यहाँ पे देख सकते हैं इस साउंड पे 340 वीडियो बन चुका है। तो यदि आप भी इस वीडियो साउंड पे वीडियो बनाना चाह रहे हैं और डू इट वीडियो बनाना चाह रहे हैं तो सिंपल आपको इस यूज दिस साउंड पे क्लिक करना है और इस साउंड को आपको प्ले कर देना है और दूसरे मोबाइल फ़ोन से इसी साउंड पे आपको वीडियो को शूट कर लेना है। इसके बाद जब आपका वीडियो शूट हो जाएंगे तो आपको क्या करना है, सिंपल इसे हम बैक करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होंगे, काइन मास्टर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने काइन मास्टर एप्लीकेशन का लिंक दे चुका हूँ, तो आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो इसके बाद चलते हैं काइन मास्टर एप्लीकेशन की ओर। तो मैंने यहाँ पे काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाते हैं। प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, वन बाय वन का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक इमेज का भी लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, इस इमेज पर क्लिक करेंगे और इस इमेज को साइज को अपने हिसाब से सेट कर लेना है। जितने सेकेंड का वीडियो होगा उतने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। इसके बाद यदि वीडियो आपको यानी कि ये इमेज हल्का छोटा वाला हो रहा है तो क्रॉप पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप फिक्स भी कर सकते हैं। इसके बाद लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। इसके बाद जो आपने वीडियो डाउनलोड किए हैं एमएक्स टकाटक एप्लीकेशन से विदाउट वाटरमार्क, उस वीडियो को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन में कर देना है और इस वीडियो को कुछ इस तरह से लेकर आना है और लास्ट पोजिशन में कर देना है। जहाँ तक आपको रेड कलर दिख रहा है वहीं तक इसे रखना है, कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है। इसके बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, लास्ट पोजीशन पे आना है और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाना है, वीडियो पर प्रेस करेंगे, लास्ट पोजीशन में आपको लेकर आना है। तो देख सकते हैं आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद क्या करना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। आपने जो वीडियो शूट कर रखे उस वीडियो को अगेन सेलेक्ट करना है। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आपको कुछ इस तरह से इसे भी जूम कर लेना है और इसके बाद इस वीडियो को भी कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है। वीडियो को आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है फुल स्क्रीन में, ठीक है। आपको एडजस्ट करने के बाद लास्ट पोजीशन पे आना है और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। यदि आपके वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट शूट हो गया हुआ है लेफ्ट साइड का तो आपको साउंड को प्ले कर लेना है, कैंची के निशान पे क्लिक करना है और लेफ्ट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है तो ट्रिम टू लेफ्ट करेंगे, राइट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है तो ट्रिम टू राइट करेंगे। इस तरह से एक्स्ट्रा पार्ट को भी आप ट्रिम टू राइट या फिर ट्रिम टू लेफ्ट कर सकते हैं। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे फिर से अगेन, इसके बाद इस वाले वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, ध्यान से समझना, और इसके बाद थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और सेकेंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। अब देख सकते हैं इस वीडियो में आपको साउंड, दोनों वीडियो में साउंड ऐड है, तो सिंपल आपको अपने वीडियो को साउंड को म्यूट कर देना है। अब वीडियो जब प्ले करेंगे तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे, आपको लगेगा कि आपने डू इट वीडियो बनाए हैं। इसके बाद आपको करना क्या है, सेटिंग पर क्लिक करना है, ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पर क्लिक करना है, HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। इसके बाद उसी साउंड पर आपको वीडियो को अपलोड कर देना है।
दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आप लोगों को किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।